इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक इंडियन प्लेयर को अपने ही देश में जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। बात है हार्दिक पांड्या की। मुंबई टीम का पहला मैच अहमदाबाद में हुआ, तब भी क्राउड ने हार्दिक की ओर करके ट्रोल किया। दूसरा मैच हैदराबाद में हुआ, तब भी हार्दिक को ट्रोल किया गया। और तीसरा मैच मुंबई की टीम जब मुंबई में ही खेली, तब रोहित शर्मा के फैंस ने हार्दिक पांड्या को सांस लेने तक का मौका भी नहीं दिया। इवन टॉस के टाइम ही पब्लिक का रिएक्शन हार्दिक के अगेंस्ट इतना अग्रेसिव था कि संजय मांजरेकर को ही बीच बचाव करना पड़ गया। केविन पीटरसन ने तो यह तक कह दिया कि मैंने आज तक किसी प्लेयर के लिए इतनी हेट नहीं देखी। लेकिन हार्दिक को इतनी हेट मिलने की वजह क्या है? देखो, जब से आईपीएल स्टार्ट हुए हैं, मुंबई के पहले ही मैच के बाद से हार्दिक वर्सेज रोहित फैंस का मुद्दा एक नेशनल डिबेट बना हुआ है। हार्दिक पांड्या को इतनी हेट मिलने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट्स रोहित के फैंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, एक ऐसा प्लेयर जो अपनी बैटिंग और बॉलिंग के दम पर टीम को जितवा सकता है, और हार्दिक ने ऐसा कई बार किया भी है। अब यार, हर प्लेयर अपने करियर में ग्रो करना चाहता है, तो 2022 के आईपीएल के दौरान हार्दिक को गुजरात टीम का कैप्टन बनने का ऑफर मिला, तो वो गुजरात टीम को ज्वाइन कर लिए और उसी सीजन में गुजरात चैंपियन भी बनी, बट लास्ट सीजन गुजरात रनर अप रही। इधर पिछले काफी सीजन से मुंबई की टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में कुछ खास कर नहीं पा रही थी, तो मैनेजमेंट को लगा कि क्यों ना कैप्टन चेंज कर दिया जाए, जिससे किसी यंग प्लेयर को फ्रंट में आने का मौका भी मिल जाएगा और शायद नई कप्तानी में टीम कुछ अच्छा कर सके। तो मैनेजमेंट ने हार्दिक को सेलेक्ट कर लिया, और हार्दिक पहले भी मुंबई की तरफ से खेल चुके थे, तो मैनेजमेंट ने हार्दिक को मोटा पैसा देकर वापस मुंबई में ले लिया और कैप्टन भी बना दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गुजरात के फैंस को लगा कि हार्दिक ने तो पैसे के लिए गुजरात की फ्रेंचाइजी ही छोड़ दी और मुंबई में चले गए, और मुंबई वाले इसलिए चिढ़ गए कि हार्दिक की वजह से रोहित भाई को कप्तानी से हटा दिया गया। और रही सही कसर तब निकल गई जब हार्दिक बड़े अग्रेसिव तरह से फील्डिंग चेंज करते टाइम रोहित शर्मा को बाउंड्री पर भेज रहे थे। फिर नेक्स्ट मैच हैदराबाद के अगेंस्ट 277 रन लगने के बाद भी हार्दिक ने कहा कि मैं टीम की परफॉर्मेंस से काफी खुश हूं। फैंस तब और ज्यादा भड़क उठे। वैसे हार्दिक को हेट मिलने की वजह शायद उनका हर टाइम अग्रेसिव होना भी है, क्योंकि पब्लिक ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि जिन सेलिब्रिटी को वो इतना चाहते हैं वो बंदा हमेशा ही एटीट्यूड दिखाए। सेम चीजें विराट कोहली के साथ भी हुई, जैसे ग्राउंड पर हर किसी से भिड़ जाना, जीतने के बाद बहुत ही अग्रेसिवली सेलिब्रेट करना, ये सारी चीजें कई लोगों को पसंद नहीं आती थी। फैंस की डिमांड थी कि कोहली के लेवल के प्लेयर को थोड़ा हम्बल बिहेव करना चाहिए। जब 2021-22 के टाइम कोहली का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं रहा, तो उनके हेटर्स ने भी कोहली को काफी ट्रोल किया और फिर कोहली को कप्तानी से भी हटा दिया गया। बट पिछले 1-2 साल से कोहली काफी बदल गए हैं, अब उनके सेलिब्रेशन बहुत माइल्ड होने लगे हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के मैच में नवीन उल हक को पोक कर रही ऑडियंस को भी उन्होंने ही चुप करवाया, और इसी हम्बलनेस के कारण कोहली के हेटर्स भी काफी कम हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी आज भी इंडिया के मोस्ट रेस्पेक्टेड क्रिकेटर है। शायद इसी हम्बलनेस की वजह से वो आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं, और शायद महेंद्र सिंह धोनी को कभी हेट का सामना भी नहीं करना पड़ा। बस यही सारी बातें हार्दिक धोनी से, सचिन से और राहुल द्रविड़ से सीख ले, तो वो अपनी ओर आ रही सारी हेट को प्यार में बदल सकते हैं। और हार्दिक भाई को ये बात समझनी चाहिए कि आप टीम को लीड कर रहे हैं एज ए कैप्टन, तो आपकी हर छोटी से छोटी हरकत पर पूरी देश की नजर होती है, तो बिहेवियर में हम्बलनेस तो लाना पड़ेगा ना बॉस।